देहात का चाहिए, देहात में हमारे बहन है, हमारे बहन भाई है, सब कुछ रहते हैं उधर पे, सिर्फ मैं यहाँ रहता हूँ ना, बाकी सब लोग बाहर है, वहाँ से आने जाने में बहुत दुश्वारी होता है, परेशानी होता है। देहात है, देहातों के जब ऊपर बाढ़ लगेगा द्वार से कट हो जाएंगे ना, वो गरीब पे कैसे कमाएंगे। हालांकि हमको मालूम है उनको, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मेरे कार्ड देखते हैं, मालूम है उसको, मालूम है मकान भी बंद है, इसके बावजूद चेक करते हैं बार बार, दिन में दो दफा तीन दफा जाते हैं, हमारे ग्वादर भी हम आते हैं राशन लेने के लिए, सामान लेने के लिए, वो तो कहाँ से आया, कहाँ क्या काम करते हैं, पूछते हैं बार बार, तंग करते हैं, लेनों पे खड़ा होना पड़ता है, दे दो घंटे में लेन में खड़ा होना पड़ता है। फेंसिंग इज पार्ट ऑफ ग्वादर मास्टर प्लान जो कि अप्रूव हुआ था। अब जब यहाँ पे लोगों की कम्यूटिंग होती है तो इनको काफ़ी दुश्वारियाँ होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो इसका हल ये निकाला गया कि जो फेंसिंग का हमारा ऑलरेडी मास्टर प्लान में है जिक्र और अप्रूव भी है, उसको हम एग्जीक्यूट करें ताकि इस एरिया को हम फेंस करें और अंदर से तमाम सिक्योरिटी ऑपरेटर्स वो उठ जाए, तो विद इन सिटी यू आर फ्री टू गो। अभी मेरे घर के सामने कुछ हो रहा है और मुझे ही ना बताया जाए, अभी बाढ़ लग रहा है, हमें तो पता है वो लग जाएगा, हम उसके शायद हक में भी हों या खिलाफ हों वो तो बात की बात है, लेकिन हमें इतना तो बता दिया जाए कि मैं पहुंची आया था, तकरीबन बहुत चार पांच गाड़ी आया था इधर, बताया कि इधर कम्बा लगाएंगा, इधर बाढ़ लगाएंगा, और मैं बताया कि मेरा रास्ता, उसी रास्ता दे देंगा और चार चौकी पे एक गेट खोलेंगा, ऐसा बताया था। एरिया के ऊपर वीकेंड डिबेट, नज़दीक लग रही थी दूर लग रही थी वो डिबेटेबल है, बट फेंस है इसका हिस्सा एंड एवरीवन न्यू इट। शहर को प्रोटेक्ट किया जा रहा था, 11 एंट्री पॉइंट्स बने थे, अभी वी हैव ओनली 3, तो हम उसको बढ़ा रहे थे, जहाँ भी आप बाढ़ लगाएंगे बिल्कुल एक्सट्रीम में भी लेके जाएंगे तो किसी न किसी को तो आपने स्प्लिट करना ही है, जिसके ऊपर काफ़ी कंसर्न्स यही थे ना। इस बाढ़ की नेकी तो यही होगी कि हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, या अगर निकल जाएंगे तो सख्त सिक्योरिटी में निकलेंगे। ये जो लोगों के साथ जो रिश्ते हैं तो ये मुतासर होते जा रहे हैं, जितनी भी सख्ती होगी उतना ही लोगों की नकल व हरकत पे असर आएगा। वो कहते हैं कि सीपैक के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से ना, वो कहते हैं मास्टर प्लान में मैं तो एज सच, मैं तो उसका मास्टर गवर्निंग बॉडी का मेंबर भी हूँ एज एमपीए, जब मास्टर प्लान बना हमें इस हवाले से तो कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई ना, उसमें मास्टर प्लान आप देखें उसमें कहीं नहीं लिखा हो बाढ़ कहीं पे भी फेंसिंग नजर ही नहीं आ रही है ही नहीं उसमें, तो बाढ़ लगा के लोगों का आना जाना, मतलब एग्रीकल्चर वहाँ पे लैंड है, बुजुर्ग है हमारे जो डेली पैदल जाते हैं अपनी जमीनों पे, आधी जमीन उनकी बाढ़ के इस तरफ है, आधी उस तरफ है, तो किस तरह गुजरेंगे पूरा बाढ़ क्रॉस करके, तो ये पैदल उनके पास तो सवारियां नहीं है, वो तो जमींदार लोग हैं, वो सुबह जाते हैं अपनी जमीनों पे शाम को आते हैं, और उसमें कुछ बाजार भी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ वहाँ पे विलेजेस है एयरपोर्ट के साथ, तो वो रोड के सेंटर से ले रहे हैं, रोड के उस तरफ भी विलेज है, इस तरफ माँ मतलब रोड की उस तरफ रहती है, अब माँ बाढ़ के अंदर होगी बेटा बाहर होगा। मैं तो सादा बात कर रहा हूँ कि ग्वादर को अलहदा कर रहे हैं लोग हैं जो फेंसिंग कर रहे हैं, ये अलहदा कर रहे हैं, ये डायरेक्ट जो है किसी को देंगे ये गलत है, फेंसिंग के खिलाफ है। ग्वादर के लोग, मकरान डिवीजन के लोग, हमारे सारे बलूचिस्तान के लोग, सारे मुल्क के लोग जो है उसको फ्री आना जाना चाहिए, वहां पर दहशतगर्दी एक बहाना है, असल में ये जो है ये सारा कोस्टल बेल्ट जो है इसको जो है वो अलहदा कर रहे हैं, बिल्कुल अलहदा कर रहे हैं, तो ऐसा ये बहुत जुल्म कर रहे हैं, बहुत ज्यादती कर रहे हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टियों को, सारे मुल्क को, सारे आवाम को, सारे मीडिया को और सारे पार्लियामेंटेरियन को इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। जब तक सिक्योर नहीं होगा ग्वादर और सिक्योरिटी के मामला ठीक नहीं होंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं। ये फेंस जो कर रही है गवर्नमेंट, वो तो इस वजह से इस तरह से कर रही है, वो कहते हैं कि हम फेंस कर देंगे और दो तीन रोड खोलेंगे और वहां से गाड़ियां गुजरेंगी, तो इसमें भी हमारी राय ये है कि इसको इस तरह से करें, एक तो लोग राजी हों, लोग नाराज ना हों, दूसरा ये है कि किसी भी चेक पोस्ट पे किसी को रोके ना, या स्कैनर्स लगाएं। ये बाढ़ जो है ना हमारे मुकद्दर का सिकंदर नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी को महदूद से महदूद तर करेगा।